एक बार फिर से CDNP ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास विशेष रूप से 11th के लिए है, JEE के स्टूडेंट्स के लिए है और नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं बोर्ड पर, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और बोर्ड में हमने दो बहुत आसान से सूत्र आप लोगों से पूछे हैं और शायद आप में से सभी को ये आसान सूत्र याद होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोल के देखें, हमारे लिखने के पहले ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, सही है? आपने जो बोला सही है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, सही है? ये भी सही है। चलो आपका और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आप इस बात को संभाल पाते हैं। हमने एक फार्मूला और लिखा, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इस फार्मूले को लिखने में हो सकता है कुछ लोगों से ना बने और कुछ लोगों से बन भी जाए, तो देखते हैं कितने लोगों से बनता है। टैली करें, देखते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बन गया क्या? कुछ लोगों से नहीं बना। अब इसके बाद एक और लिखते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखते हैं कितने लोगों से बनता है। हमारे लिखने के पहले बोलिए, ए क्यूब माइनस 3A² बी प्लस 3AB² माइनस बी क्यूब, फिर से कुछ लोगों से नहीं बना। फिर भी कुछ लोगों ने कोशिश की और उनसे बन गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अब अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर देने वालों की संख्या शून्य होगी, डायरेक्ट देने की, तुरंत में मल्टीप्लाई गुणा करके आंसर देना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले के रूप में। अगर हमने कहा ए प्लस बी का पावर 4, तब आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क्स, पता नहीं क्या, या ए माइनस बी की पावर 4 क्वेश्चन पूछा। आपने कहा पता नहीं क्या हो सकता है, फिर भी आपने कैसे भी मल्टी मल्टीप्लाई करके कोशिश करके निकाल के फार्मूला लिखा। तो अगला क्वेश्चन हम आगे रुकने वाले थोड़ी हैं, हम आपसे तुरंत पूछने वाले हैं कि चलिए अगर वो बन भी जाए मल्टीप्लाई करके गुणा करके, तो फिर हम आप लोगों से पूछ लेने वाले हैं क्या ए प्लस बी की पावर 5, ए प्लस ए माइनस बी की पावर 5। आपने अच्छी कोशिश की तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है, हम तो सिर्फ इतना लिख देंगे कि ठीक है अगर ये बनता है तो चलो। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ए प्लस बी की पावर 9 कितनी होगी। अब बोले इतना सारा कौन करेगा, ये कैसे बनेगा, ठीक है? तो ऐसे ही
फार्मूले आप लोगों को अगर नहीं बन रहे हैं और आपसे कहा जाए कोई एक हम जादू की छड़ी देने वाले हैं, एक स्टिक मैजिकल स्टिक देने वाले हैं, जो उस स्टिक को घुमाने के साथ ही ये जितने फार्मूले जो चाहिए वो फार्मूले प्रकट हो जाएंगे और आपकी मेमोरी में आ जाएंगे। बोलिए कितना अच्छा रहेगा। आपको सुनकर यह बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन अच्छी लगने के साथ ही आपने सोचा काश ऐसा सच में हो पाता। तो यहां हम जो बात बोलते हैं वो परियों के देश के मैजिक की बात नहीं करते हैं, हम मैथ्स के मैजिक की बात करते हैं, फिजिक्स के मैजिक की बात करते हैं। ये जो हम क्लास ले रहे हैं वैसे तो फिजिक्स की क्लास है, लेकिन इसमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि फिजिक्स के शुरू वाले चैप्टर्स किस नाम से रखे गए हैं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स, भौतिकी के लिए गणितीय अवधारणाएं, ठीक है। और इन अवधारणाओं के अंतर्गत हमने टू पार्ट्स की टीचिंग की है, वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने देखे हैं। ये पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत टीचिंग की जा रही है। तो इस टीचिंग में आप लोगों को पिछली वाली टीचिंग से भी ज्यादा शॉर्ट और आसान एक मैजिक देंगे हम रियल में, जो मैजिक आप लोगों को ऐसे फार्मूले या इससे और भी ज्यादा टफ फार्मूले बहुत ही आसानी से बता पाएगा। बस स्टिक घुमाई आपने और आपकी मेमोरी में ऐसे फार्मूले ये आसानी से आपकी मेमोरी में तुरंत आएंगे और आप उनको बोलना शुरू कर देंगे। पिछले वाले मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को नंबर याद है क्या, 0, 1, 2, 3, 4 बोला था। आज हम ये भी नहीं बोलने वाले, इससे भी कम बोलने वाले हैं। हम आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट को 1 + 1 = 2 बनता है। बोले हाँ बनता है, इतना तो आसान है बहुत ज्यादा। बस अगर इतना बनता है तो फिर देखिए कि कैसा मैजिक करेंगे हम, और इनकी हेल्प से ये सभी फार्मूले बहुत ही आसानी से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, या इरेज नहीं करते हैं तो थोड़ा साइड में कर देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी अपन को, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं तुरंत में, और अगर जरूरत पड़ेगी अपन को तो उसको हम फिर से दोबारा वापस बुला लेंगे, ठीक है। इसको ही हमने साइड में कर दिया। ये देखिए, अब ये देखें, ये एक नया डायग्राम है जो हमने पहले से ही बना के रखा है, टाइम को टाइम की बचत के हिसाब से, तुरंत बनाने से टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आपको देखने में क्या लगा, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है। ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, हिंदी में त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल। जरा अच्छे से देखिए, एक ट्रायंगल है कि ज्यादा ट्रायंगल है। आप कहेंगे कि हाँ ये तो सही बात है, एक बड़ा ट्रायंगल तो है, लेकिन इसके अंदर ये छोटे 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 ये छोटे छोटे ट्रायंगल है, दिख रहे हैं ये, सही देखा आपने। ऐसा बस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रायंगल है। जैसे ये देखिए, यहां से ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये बड़ा, फिर और बड़ा होता है ये वाला भी है, ऐसे कुल मिला करके इसमें ट्रायंगल ही ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हमको ध्यान से देखना है, ऐसा ट्रायंगल बनाना टफ नहीं है। आप क्या करें, एक ट्रायंगल क्या कर लें, खींच लें, ऐसा बना लें, मतलब पहले कैसा बना लें, इस टाइप से बना लें, ये खींचा अपन ने और ये बनाया, ठीक है, ये बना लिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये लाइन खींच देते हैं अपन, ठीक है, और एक लाइन और खींच देते हैं यहां से। ये देखिए, ये लाइन हमने यहां से
एक और खींच दी, ऐसे खींच दी, चलिए खींच दिया। अब बस यहां से क्या कर दो, ऐसा मिला लो और एक लाइन ऐसी मिला लो, ठीक है, बस ऐसे मिलाते जाइए, आगे ही मिलाते जाइए। ये देखो ऐसा करके ये बहुत सारे ट्राइंगल आप बना सकते हैं ऐसा करके, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा ट्राइंगल आप लोगों को बना लेना है, और अभी तो सीखना है, अभी नहीं बनाना है, अभी अपनी पेन को बंद रखें और सिर्फ अपने माइंड को ओपन रखें और देखें पहले अच्छे से, समझ लेंगे तो बनाना आसान होगा। वीडियो को तो आप बार बार दोबारा रिपीट करके भी चला सकते हैं, लेकिन अभी समझना जरूरी है, इसलिए इसको चलिए हम समझते हैं, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, इस डायग्राम से सबसे पहले हम कुछ नंबर इसमें फिल करना चाहते हैं। कौन कौन से नंबर फिल करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। हम सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं वन, ये देखिए यहां लिखा हमने वन वन, सब में हम वन ही लिखना चाहते हैं, ये देखिए यहां क्या लिखना चाहते हैं, हम सब में कॉर्नर में वन लिखना चाहते हैं ऐसा, ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, वन वन सब में लिख दिया, ये देखिए लिख गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। अब क्या करना है, हमने कहा था ना वन प्लस वन पूछेंगे, ये वन है देख रहे हैं, ये वाला वन और ये वाला वन, ये दोनों यहां आके मिलते हैं, इस ट्राइंगल मिलते हैं, तो ये वन और ये वन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, वन प्लस वन कितना होता है, बोलिए टू होता है, कितना होता है बोलो, टू होता है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, इसको अच्छा देखना चाहिए, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, टू आ जाएगा, ये देखिए ये टू दिख रहा है टू। अब फिर से देखें यहां क्या है, देखो ये वन और ये टू, वन प्लस टू कितना होगा बोलिए, थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये यहां लिख देते हैं, अगर बीच में नहीं दिखता तो ये थ्री दिख रहा है अभी, ये थ्री, फिर देखो ये टू और ये वन दोनों मिलाए कितना हो जाएगा, थ्री। अगर समय में नहीं आ रहा हम यहां बताते हैं अलग से क्या करना है, जैसे ये लाइन है, यहां क्या लिखा था वन और यहां क्या लिखा है टू, अब ये नीचे की दो लाइन है, तो ये टू लाइंस यहां आ रही है, ये देखना क्या ये लाइन कहां से आ रही है, एक टू से आ रही है और एक कहां से आ रही, बोलिए एक टू से आ रही, एक वन से आ रही है, तो टू और वन ये मिल गए हैं, इसका मतलब क्या बन गया, ये थ्री बन गया ऐसा, ये टू और ये वन दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। अब इस तरफ भी देखें, यहां क्या है देखो, ऐसा है ये, ऐसा है, इस तरफ क्या है टू और इस तरफ क्या है वन, तो वन और ये टू मिलके कितने हो जाएंगे, थ्री, ऐसा देखना अपन, ठीक है। अब आगे भी देखो अच्छे से, यहां क्या लिखा बोलो, ये लिखा है वन, यहां क्या लिखा है थ्री, तो वन और थ्री मिलाए कितना हो जाएगा बोलो, फोर हो जाएगा। फिर चेक करो, इस वाले में चेक करो, यहां थ्री लिखा है, यहां थ्री लिखा है, थ्री और थ्री मिलके कितने हो जाएंगे बोलो, सिक्स हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं होंगे। फिर देखो यहां थ्री लिखा है, यहां वन लिखा है, इन दोनों का टोटल करो कितना आएगा बोलो, थ्री प्लस वन कितना हुआ, फोर हो जाएगा, हुआ। बस ऐसा ही करते जाना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यहां वन और यहां फोर कितना हो जाएगा, फोर प्लस वन कितना हुआ बोलो, फाइव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाइव, फोर प्लस सिक्स कितना हो जाएगा बोलिए, टेन हो जाएगा, टेन लिख दिया हमने, फोर सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, फिर से टेन हो जाएगा, ये टेन लिख दिया हमने, ठीक है। फिर फोर प्लस वन कितना हो जाएगा बोलो, फाइव हो जाएगा, ये लिख दिया हमने, और आगे बढ़ो, ये वन प्लस फाइव कितना हुआ, सिक्स हो जाएगा, हो गया। अब फाइव और प्लस टेन कितना हुआ, फिफ्टीन हो जाएगा ये। अब और आगे देखो, टेन प्लस टेन कितना हो गया बोलो, ट्वेंटी हो जाएगा ये, हो गया। फिर टेन प्लस फाइव कितना हो जाएगा बोलो, फिफ्टीन हो जाएगा। फिर फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा बोलो, सिक्स हो जाएगा। ऐसा ही टोटल करते जहां तक
जितनी लिमिट तक जाना वो जा सकते हैं। 1 + 6 कितना हो जाएगा बोलो? 7 हो जाएगा। फिर कितना, 6 + 13 कितना हो जाएगा बोलिए? 19 हो जाएगा। फिर ये देखिए 13 + 20 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और देख लो ये कितना है, 13 नहीं है ये 15 है, तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऐसा ही 20 + 15 कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर कितना, 15, ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, इसमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या देख लिया था अपन ने, ये 13 नहीं है, ये 15 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 और प्लस कितना? 6, तो कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए? 21 हो जाएगा। इसको इरेज कर दिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 21। ठीक है, फिर से देखो यहाँ 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ये 21। और 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसा ही और आगे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 1 + 7 कितना हो गया बोलिए? 8 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 + 21 कितना हो जाएगा बताइए? 28 हो जाएगा। अभी 35, 21 है, कितना हो जाएगा ये बोलो? 56 हो जाएगा। हो गया। फिर यहाँ भी देख लें, फिर से 35 और 21 है, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये देखिए बीच का छूट गया, 35 + 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 21 + 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को? तो अब देखिए आगे, तो ये ट्रायंगल आप लोगों को समझ में आया होगा, अब आगे क्या करना है वो सीखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको फार्मूला कौन सा पूछा जा रहा है उसके बारे में आप क्वेश्चन करिए। मतलब जैसे फार्मूला a + b की पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने कहा n है, ठीक है, कितनी है? n है, तो n के लिए पावर मतलब हम मिनिमम क्या यूज कर सकते हैं? वैसे तो यूज करते हैं हम शुरुआत जो फार्मूले की रहती है, जो रियल में आप लोगों से पूछा जाता है, वो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ शुरू होता है। ठीक है, वैसे अगर इसके पहले बात करें तो फिर वो a + b की पावर कितनी, 1 वाला होगा, और फिर a + b की पावर कौन सा वाला होगा? 0 होगा। ठीक है, लेकिन हम a + b के होल स्क्वायर शुरू करते हैं तो पहली बात हम इसी से करेंगे। ठीक है, इनके बारे में लास्ट में हम बता देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर, यहां पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर मतलब ये कितनी वैल्यू है? 2 है। ठीक है, तो जितनी पावर होती है, जैसे यहां n है, अपने फार्मूले में जितनी भी पावर होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे 1 ज्यादा होगी, प्लस होगी। मतलब और सरल भाषा में, हिंदी में, कि जितनी यहां पर घात लगी हुई है कुल पदों की संख्या इससे 1 ज्यादा होगी। जैसे यहां कितना लगा है? 2 लगा है, तो पदों की संख्या कितनी कहलाएगी बोलो? 3 कहलाएगी। ठीक है, अगर हम यहां पर बोल दें कि a + b की पावर कितनी है? 3 है, तो फार्मूले में 3 है, तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी बोलो? 4 होगी। अगर हम क्या बोल दें, a + b की पावर कितनी बोल दें? 4 बोल दें, तो फिर कुल पदों की नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बोलिए? 5 होंगी। मतलब जितना पावर लगा है उससे 1 ज्यादा होगा। ठीक है, तो
अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हम यहां साइड में लिख के बताते हैं, ये देखिए जैसे कितना है ए प्लस बी की पावर कितनी है, ए प्लस बी की पावर कितना है, मान लो 2 है, ठीक है। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, देखिए सबसे पहला क्या होगा ए स्क्वेयर और सबसे लास्ट में क्या होगा बोलो बी स्क्वेयर, मतलब पावर कितनी है 2 है तो ठीक है। अब इसको और कैसा समझ सकते हैं, ए के साथ क्या होगा बी होगा, तो बी की पावर कितनी होगी 0 होगी। देखिए इसमें अगर ये बात उतने अच्छे से क्लियर नहीं है तो देखो इसको एक आसान तरीके से हम और क्लियर करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। ये देखो इसमें क्या कर लो, जैसे हमने क्या कहा इसकी पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर ए बी 3 टाइम्स लिख लो, ए बी कितने बार लिख लो बोलो 3 बार लिख लो, ठीक है। लिख लिया इतना बन जाएगा। अब क्यों लिख दिया 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है 2 है। अगर हमारे क्वेश्चन में पावर कितनी होती 3 होती, जैसे ए प्लस बी की पावर कितना बोलो 3, तो क्या बोलते 4 बार ए बी लिख लो, ए बी ए बी और ए बी, समझ गए बात को। अगर यहाँ कितनी होती पावर, ए प्लस बी की पावर कितनी होती बोलो 4 होती, तो क्या बोलते हम, यहाँ हम बोलते कि ए बी कितने बार लिख लो 5 टाइम्स लिख लो, ए बी कितने बार लिख लो 5 बार लिख लो, ठीक है। ये लिख सकते हो यहाँ पर ऐसा ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ध्यान से सुने बात को, इसको समझने में 10 मिनट खर्च करें लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो पलक झपकते इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। समझाने के लिए हम टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, जिससे आप लोगों को पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाए वो, ठीक है। तो अब फिर से रिपीट करेंगे, पहला क्या बोला हमने फार्मूले में पावर कितनी लगी है, जितनी लगी है उससे ज्यादा बार ए बी लिख लो, ठीक है पहला है। सेकेंड अब क्या है, पावर जितनी है वहां से शुरू करना है। देखो जैसे पावर कितनी 2 है, तो ए की पावर 2, अब 2 से एक कम कर दो कितना होगा 1 होगा, 1 से भी एक कम कर दो कितना हो जाएगा बोलो 0 कर दिया। जबकि बी में उल्टा करना है, कहां शुरू करना है, पहले 0 फिर 1 और फिर 2 हो गया। अब इतना इसको भी समझ सकते हो, जैसे यहां कितना लिखा है बोलो 3 लिखा है, तो क्या करोगे 3, अब 3 से एक कम कितना होता है बोलो 2, 2 से एक कम कितना होता है 1, 1 से एक कम कितना होता है बोलो 0 होता है। अब बी में उल्टा मतलब 0 से, या यूं कहा जाए कि बी को यहां से लिखना है, ये 3 2 1 0 आया होगा समय में हम उम्मीद करेंगे। अब देखो कितना लिखा है 4, तो कहां शुरू करेंगे बोलो, यहां लिखेंगे 4 3 2 1 और ये 0 आया समय में। बी के लिए उल्टी तरफ से 4 3 2 1 0 बोलो आया समय में कि नहीं आया, आ गया, इतना बनेगा, बन गया। अब इतना बनने के बाद हमें क्या देखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कितना है 3 टर्म्स है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर चेक करो 3 टर्म्स की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन देख लो, यहां पर 1 फिर 2 फिर 1, मतलब इसमें कुल 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं, मतलब ये वाले क्या है, ये कॉफिशियंट है, ये क्या है गुणांक है ये। तो अब कितने हैं इसमें, पावर 2 लिखा है तो पद की संख्या कितनी है 3 है, 3 है टर्म्स है, यहां देखो 1 2 1, तो क्या करना है, ये गुणांक है, ये 1 को यहां जमा दिया हमने, 2 को यहां जमा दिया और 1 को यहां जमा दिया, बस। अब ये क्या बन गया फार्मूला, इसको थोड़ा सिंपल करके सोच लो,
वन को तो लिखते नहीं है पर छोड़ देंगे इसको। अब कितना आया बोलो, ए स्क्वेयर आया। कितना आया बोलो, ए स्क्वेयर। ये पावर जितनी भी होती है, ए की पावर हो चाहे बी की पावर हो, अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कुल कितनी हो जाती है, वन। उसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, वन। ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, किसी की पावर कितनी हो, जीरो हो, तो कितना हो जाता है बोलो, वन हो जाता है। तो यहाँ बी की पावर जीरो मतलब वन, छोड़ दो बी को मतलब। अब कितना आया, ट्वाइस। अब कितना है, ए इसमें प्लस ट्वाइस, ए की पावर वन तो वन को लिखते नहीं है, बी की पावर वन तो वन लिखते नहीं है। अब प्लस कितना है बोलो, ए की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, और कितना बन गया बोलो, बी स्क्वेयर। अब सोच के देखो, ये फार्मूला आपसे बनता था, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, थ्री वाले में थ्री लिखा है मतलब कुल पद कितने, चार हैं, वन टू थ्री, फोर टर्म्स हैं इसमें। फोर टर्म्स हैं तो कौन सा लेंगे अपन, ये देखो चार वाली लाइन पकड़ लो, वन टू थ्री फोर, चार पद लिखे इसमें, इनको जमा दो। सबसे पहले यहाँ वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बोलो, थ्री लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, थ्री लिखेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, वन लिखेंगे। इस प्रकार से कितना आया बोलो, चेक करो, यहाँ वन को तो लिखते नहीं है, ये आया ए क्यूब, बी की पावर जीरो लिखते नहीं है अपन। अब कितना आया बोलो, प्लस थ्री, कितना आया बोलो, ए स्क्वेयर, बी की पावर वन है तो बी लिख देंगे, ठीक है, और प्लस थ्री, ये थ्री लिखा, ए की पावर मतलब वन मतलब ए, और बी स्क्वेयर हो गया। और प्लस कितना बोलो लास्ट में, वन इंटू बोलो, ये है कौन सा, वन टू थ्री फोर, वन इंटू ए की पावर कितनी है, जीरो। जीरो मतलब कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो कितना आ गया बोलो, बी क्यूब। अब फार्मूला आप लोगों को अगर याद था तो टैली कर लो कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, ये बन गया। अब देखो यही बात अगर फोर फार्मूले के लिए निकालनी है, तो फोर मतलब कुल पद कितने होंगे बोलो, फाइव होंगे। कुल कुल पदों की संख्या कितनी होगी, पांच। तो पांच वाला काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाली लाइन है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अच्छे से देखें, भ्रमित ना हो, जो लाइन अपन को मिलती है उसको ही कवर करनी। यहाँ पर ये फाइव वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक है, तो फाइव वाली लाइन ही कवर करना, मतलब वन फोर सिक्स फोर वन। तो यहाँ पर हम जमा के लिखेंगे, देख लो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा बोलो, वन आएगा, सेकंड में कितना आता है बोलो, फोर, तो यहाँ क्या आएगा बोलो, फोर आ जाएगा, फिर कितना है बोलो, सिक्स आ जाएगा, सिक्स के बाद कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फोर के बाद फिर से कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, चेक कर लो, फार्मूला क्या बन गया, यहाँ देख लो, सबसे पहले ए की पावर फोर बन गया क्योंकि बी की पावर जीरो मतलब वन हो जाता है, प्लस फोर ए क्यूब बी हो गया, प्लस और चेक करो, सिक्स ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हो गया, फिर कितना हो गया बोलो, फोर ए इंटू बी क्यूब हो गया, और प्लस ए की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, प्लस बी की पावर कितना, फोर हो गया। बोलो समय में आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब आ गया है तो एक बात यहां समझ सकते हैं कि अगर इसमें प्लस के बदले कितना आ जाए बोलो, माइनस आ जाए, ठीक है, तो समस्या नहीं है। हमको बीच में क्या करते हैं आना, पहले वाले प्लस माइनस प्लस मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस मतलब एक एक के अंतर से क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना। क्यों कर देना है यही पता होना चाहिए, इसलिए कर देना है क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, माइनस बी की पावर कितनी करेंगे, वन कर दें या थ्री कर दें या फाइव कर दें, कॉमा लगाया, ये ऐसे ऑड नंबर लगाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी। किसमें आएगी बोलो, माइनस में आएगी। और अगर हम यहाँ माइनस बी की पावर किसमें कर दें, इवन में कर दें, सम संख्या में कर दें, दो चार छः, विषम में ऋण आएगा और सम करने पर क्या आ जाएगा, ये धन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी की पावर जीरो मतलब सम मान ली जाएगी, वन मतलब फिर माइनस आएगी, इसलिए हमने क्या कहा, प्लस माइनस करते जाओ, ठीक
तो ये वाले फार्मूले बनेंगे। चलो एक बार और टैली करते हैं, अब रियल फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप लोग भी रिवीजन करेंगे। यहां पर कितना आ रहा है देख लो, अगर हम बात करें कि ए प्लस बी की पावर जीरो, अगर ए प्लस बी की पावर जीरो करते हैं तो हमने क्या कहा था, पदों की संख्या एक ज्यादा होती है, तो जीरो से ज्यादा क्या कहलाएगा, एक, वन कहलाएगा, मतलब सिर्फ वन टर्म्स आनी। वैसे भी क्या है, ए प्लस किसी की पावर जीरो हो तो मान कितना आ जाता है, वन, मतलब ये कोई फार्मूले में यूज नहीं होता है, ये कोई फार्मूला नहीं माना जाता है, समझ गए बात को। ऐसा ही ए प्लस बी की पावर कितनी, वन है, वन का मतलब क्या हुआ, इसमें कुल पद कितने होंगे, दो, तो दो तो लिखे ही हुए हैं, ये देख लो ए प्लस बी, इसमें कोई फार्मूले की बात नहीं है इसमें, इसलिए यहां तक कोई फार्मूला रहता ही नहीं है। फार्मूला कहाँ शुरू होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार आप लोग हमारे साथ रिवाइज करिए और जल्दी जल्दी अपन लिखेंगे इसको, ठीक है। कैसा लिखेंगे, जल्दी लिखने के लिए क्विक एक्शन में कितना लिखा है, स्क्वायर, कितना लिखा है, स्क्वायर, तो शुरू करेंगे ऐसा करके, ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी की पावर जीरो, तो बी की पावर जीरो को मन में छोड़ दिया, ठीक है। अब ए की पावर कितना करेंगे, टू से कितना हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है, और बी की पावर यहाँ जीरो थी तो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब प्लस लास्ट में ए खत्म हो जाएगा और बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ हो गया वन और यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाले से टू, ये वाला लिखा है, और यहाँ कितना हो जाएगा, वन, ये फार्मूला बन गया। और जल्दी लिखना इसको, देखो अगर दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हो, ए क्यूब लिख के बताते हैं, थ्री लिखा है, ए क्यूब प्लस कैसा करें, ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस, मतलब कितना है, यहाँ पर थ्री है, टू है और यहाँ वन है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ए लिखनी लास्ट में, लिखना ही नहीं है, शुरू में क्या है, बी है ही नहीं है, सेकंड में एक बी है, थर्ड में बी की पावर एक और बढ़ गई है और लास्ट में एक और बढ़ गई है। अब बस ये कितने, तीन और एक चार, चार वाली लाइन पकड़ो, 1 3 3 1, यहाँ वन आया, यहाँ कितना है, थ्री आया, यहाँ कितना है, थ्री आया, वन को लिखना नहीं। अब फोर में पकड़ो कैसा करेंगे, देखो ए की पावर फोर प्लस ए की पावर थ्री, फिर प्लस ए की पावर टू प्लस ए की पावर वन, वन लिखेंगे नहीं, अब प्लस ए की पावर जीरो, तो जीरो लिखा नहीं जाएगा। अब शुरू में क्या है, बी की पावर जीरो मतलब लिखेंगे नहीं, यहां पर क्या जाएगा बोलो, यहां पर, यहां पर प्लस पास पास ले किया है, कोई बात नहीं, प्लस बाद में लगा लें, ठीक है। तो ये ए की बी की पावर जीरो, अब बी की पावर कितना, वन, यहाँ क्या आएगा, बी की पावर टू, यहाँ बी की पावर कितनी आएगी बोलो, थ्री, यहाँ बी की पावर कितनी आएगी, फोर, ठीक है। अब चार है मतलब पांच वाला, 1 2 3 4 5, मतलब पहले में वन, सेकेंड में फोर, फिर आएगा सिक्स और फिर कितना आएगा बोलो, फोर और लास्ट में कितना, वन। अब सबके बीच में प्लस लगा दो, ऐसा करके हम कितने भी फार्मूले, ए प्लस बी की पावर कितनी, फाइव, ये ठीक है, या सिक्स सेवन, कितना भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो ए की, ए प्लस बी की पावर हमने यहां पर कितना लिखा, एट लिख दिया। चलो अब एट लिखा क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए की पावर एट, ठीक है, अब प्लस, अब क्या लिखेंगे, ए की पावर सेवन प्लस ए की पावर सिक्स प्लस ए की पावर फाइव, अब क्या, प्लस ए की पावर फोर, अब क्या, प्लस ए की पावर थ्री, अब प्लस ए की पावर टू प्लस ए की पावर वन प्लस लास्ट में ए की पावर कुछ नहीं। अब यहां शुरू करो, बी की पावर यहां जीरो मतलब है ही नहीं, अब यहां क्या, बी की पावर वन, बी की पावर टू, बी की पावर थ्री,
बी की पावर 4, बी की पावर 5, बी की पावर 6, बी की पावर 7 और बी की पावर कितना 8। अब हमको पकड़ना है कौन सा वाला बोलो, कि 8 पावर मतलब 9 वाला पकड़ना है, कौन सा पकड़ना है बोलो, 9 वाला। तो 9 वाला कहाँ है चेक करेंगे, यहाँ पर 5 वाला था, 6 7 8 9, 9 वाला कौन सा हो गया, ये सबसे लास्ट वाला हो गया, ये वाला है। चलो इनको जमा करके लिख दो, कितना शुरू में 1, फिर कितना है बोलो 8, यहाँ कितना आएगा 8, फिर कितना है बोलो 28, फिर कितना है बोलो 56, फिर कितना है बोलो 70, फिर कितना है बोलो 56, फिर कितना है बोलो 28, फिर कितना आएगा 8, लास्ट में कितना है 1। कितनी आसानी से, कितना देर लगा a प्लस बी की पावर 8 को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बहुत ही यूजफुल है, जानते हैं इस बात को सबसे पहली बार किसने सोचा था, इस बात को सबसे पहले हमारे विद्वान मैथमेटिक्स की और फिजिक्स के पास्कल ने सोचा था, किसने सोचा था, पास्कल ने। इसी वजह से ये इस ट्रायंगल को हम सब पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। आप लोग याद रखें और ऐसे करके फार्मूले जनरेट करने बनाने की प्रैक्टिस कई बार करें, अलग अलग लिख के देखें, तो आपको ये हमेशा को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अलावा अगर पावर और भी ज्यादा है और हमको ट्रायंगल नहीं भी बनाना है तो एक मेथड और बताएंगे हम, जिसकी मदद से आप लोग ये सब फार्मूले बहुत ही ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं बिना ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और करके देखिए, और नई क्लास हम फिर से लेके आएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद इसमें पूरा होमवर्क करें और उसकी फोटो खींच करके जरूर भेजें, ठीक है। तो उम्मीद है आज का यह टॉपिक फार्मूलों के लिए आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समय में आया होगा और आपने अच्छी एकाग्रता से आज की क्लास अटेंड की, और जितने लोगों ने ऐसा किया है निश्चित रूप में उन्हें इस बात का फायदा जरूर ही होगा। और कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपके एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप लगातार पढ़िए, कंटिन्यूटी रखिए, पंक्चुअलिटी रखिए, और अपना लक्ष्य सिर्फ 11th क्लास का एग्जाम मत रखिए, अपना टारगेट बनाइए 12th का बोर्ड और उसके आगे का करियर, ठीक है। और उन सब को हासिल करने के लिए आज, उन सपनों को साकार करने के लिए आज बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकाग्रता के साथ और अच्छे निर्णय के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारे मार्गदर्शन में निश्चित रूप में जैसे हजारों स्टूडेंट्स पहले भी यहाँ से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, उनसे उनके फॉलोअर बन के या उनके भी रिकॉर्ड ब्रेक करके आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन वे स्वप्न ही रहेंगे अगर आप एकाग्रता के साथ और रेगुलरिटी के साथ अच्छी मेहनत नहीं करेंगे। तो कुछ बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता के लिए नो शॉर्टकट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और कल फिर से एक नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।